हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और उन क्वेश्चंस को हमने स्क्वायर रूट निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4 और यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस डिवीज़न मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। देखिए, जैसे हमने एक स्क्वायर नंबर लिया 1024, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो देखिए, यहाँ पे जो टेबल जाता है वो जाता है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। यानी 9 का 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, 9 7 जा नहीं होगा या 9 6 जा नहीं होगा। दैट्स क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है 1024, इसके हम पेयर बनाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। सपोज इसमें 5 डिजिट होती तो थर्ड डिजिट का पेयर नहीं बनता, तो उसे हम बिना पेयर के ही रख सकते हैं। तो अब ये साइन लगाते हैं स्क्वायर रूट का। अब जो फर्स्ट पेयर है, यस सपोज सिंगल डिजिट होती तो उसमें ये टेबल देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 10 में 1 1 जा 1 चला जाएगा, 2 2 जा 4 चला जाएगा, 3 3 जा 9 भी, लेकिन 4 4 जा 16 नहीं जाएगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो ही जाएगा, 3 3 जा, जैसे हम डिवाइड में करते हैं, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यह मेथड समझिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लिए, 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो आपके इसमें जो डिजिट बनती है उसका डबल यहाँ लिखेंगे, तो 3 का डबल 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लिया, नेक्स्ट पेयर। देखिए, एक सिंगल डिजिट नहीं आएगी बल्कि पूरा पेयर आएगा, जैसे 24। अब जो डिजिट यहाँ पे आएगी, सेम डिजिट यहाँ पे आएगी, ये डिजिट और ये डिजिट बिल्कुल सेम होगी और ये डिजिट इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेगी। जैसे तो हम सबसे पहले हम कैसे पता चलेगा कि हम क्या डिजिट रखें, तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट। देखिए, 4 एक तो यहाँ बनती है इसमें, 2 2 जा 4 में यूनिट डिजिट 4 बनेगी, और एक 8 8 जा 64 में यूनिट डिजिट 4 बनेगी। तो हमें यूनिट डिजिट क्या लानी है, 4। तो पहले हम इसको 2 से 2, तो यहाँ पे भी आप 2 ही रखेंगे। अब ये 2 पूरे 62 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इस तरह से आप इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 52। ठीक है, और क्वेश्चन 1, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन थ्री सिक्स नाइन, तो पेयर बनाएंगे तो यहाँ 2 पेयर बन जाएंगे। अब 13 में देखेंगे क्या टेबल जाएगा, तो 13 में 3 3 जा 9 चला जाएगा, लेकिन 4 4 जा 16 नहीं जाएगा, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 का डबल 6, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा। अब नेक्स्ट पेयर पूरा आएगा 69, तो जो डिजिट यहाँ पे आएगी सेम वही डिजिट यहाँ पे आएगी। हमें यूनिट डिजिट क्या लानी है, 9, तो एक तो 3 से बनता है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 63 हो जाएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इसके इक्वल बनता है कि नहीं बनता। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो ये अभी 469 से काफ़ी छोटा नंबर है। तो फिर देखेंगे यूनिट डिजिट और कहाँ बनती है, तो यूनिट डिजिट बनती है 9 7 7 जा में, तो यहाँ पे भी आप 7 रखिए और 7 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो होगा 37। ठीक है,
तो इसी तरह इसके आप अदर पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब देखिए, देखिए कुछ पार्ट हमने ऑनलाइन क्लास में आपको कराए हैं, तो पार्ट नंबर 6 देखिए, 49284, तो वन पेयर टू पेयर, फोर का पेयर नहीं बनेगा। तो अब फोर में जो टेबल जाएगा वो टू टू या फोर जा सकता है, तो टू टू या फोर, फोर का डबल यहाँ लिखेंगे, टू का डबल होगा फोर। अब यहाँ तो सबट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट पेयर 92। अब जी 42 में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, टू टू जा फोर और टू फोर जा एट, 84 आएगा। तो यहाँ पे भी आप टू रखिए और यहाँ पे भी टू, तो ये टू आपके 42 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8। आप 22 का यानी जो पूरी जो डिजिट भी जो भी नंबर बनता जाएगा उसका डबल, तो 22 का डबल 44, नेक्स्ट पेयर 84, ठीक है। अब जो डिजिट यहाँ रखनी है वही सेम यहाँ रखनी है, तो 2 सा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो आपका आंसर होगा 222 को 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर बन जाएगा। आप इस तरह से आंसर भी चेक कर सकते हैं। यस, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेवंथ, 390 625, तो वन पेयर टू पेयर और थ्री पेयर। तो अब 29 में देखिए ये टेबल चला जाएगा, 6 6 जा 36, अब 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, पूरा पेयर आएगा 306। तो देखिए आप अगर आपको देखिए थोड़ा गैस करना है, तो इसकी ये डिजिट पहली दो डिजिट से अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल में देखिए टेबल कितनी बार जा सकता है, और 12 है तो 30 में कितनी बार जा सकता है, 3 टाइम नहीं जाएगा, तो 122, तो 2, तो यहाँ 2 रखेंगे 122 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2, और 2 122 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2, तो ये टेबल जाएगा आपका, ये आपको गैस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 माइनस 4 2, 10 में से 4 माइनस 6, 62 बचेगा। अब 62 का डबल आएगा, 62 का डबल होता है 124। अब नेक्स्ट पेयर आएगा 25। अब देखिए 5 डिजिट यूनिट का कब बनती है, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 होगा और यहाँ पे भी 5 होगा, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा, ये 5 पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो देखिए आपका आंसर होगा 625। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो ये 1190
टू फाइव, वन टू थ्री पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो 11 में जो टेबल जाएगा वो जाएगा किसका, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा सिक्सटीन बड़ा हो जाएगा, तो थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। थ्री का डबल सिक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे टू, नाइन जीरो। तो देखिए अब सिक्स का टेबल 29 में कितनी बार जा सकता है, चार बार, तो यहाँ 64 हो जाएगा और यहाँ फोर, गैस करके देखेंगे, फोर फोर जा 16 कैरी वन, और फोर सिक्स जा 24 ट्वेंटी, यस, तो ये फोर टाइम जाएगा, यहाँ पे फोर रखेंगे और यहाँ पे भी फोर। अब ये फोर 64 को मल्टीप्लाई करेगा, फोर फोर जा 16 कैरी वन, फोर फाइव, फोर सिक्स जा 24 और वन 25, सब्ट्रैक्ट करिए 10 माइनस सिक्स फोर, एट माइनस फाइव थ्री, अब नंबर बन गया हमारा 34, 34 का डबल होगा 68। नेक्स्ट पेयर टू फाइव, ठीक है। अब यूनिट डिजिट फाइव है तो फाइव किससे बनेगी, फाइव फाइव यहाँ से, ठीक है। लास्ट डिजिट को तो आप वहाँ से गैस कर सकते हैं, तो यहाँ पे फाइव रखिए और यहाँ पे भी फाइव, अब फाइव मल्टीप्लाई करेगा 685 को, तो फाइव फाइव जा 25 कैरी टू, फाइव एट जा 40 और टू 42 कैरी फोर, फाइव सिक्स जा 30 और फोर 34। तो देखिए आंसर आएगा, या ऐसे लिखिए 119025 इज इक्वल टू 200 345। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वन नाइन थ्री सिक्स जीरो जीरो वन, तो इस तरह पेयर बन जाएंगे। तो 19 में देखिए टेबल कौन सा जा सकता है, 19 में फोर फोर जा 16 जाएगा, फाइव फाइव जा 25 नहीं जा पाएगा, तो फोर फोर जा 16, फोर का डबल क्या हो गया 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। नेक्स्ट पेयर 36, देखिए अब 8 का गैस करेंगे 30 पहले दो डिजिट में, तो 8 फोर जा 4 टाइम जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 84 यहाँ 4, तो 4 फोर जा 16 कैरी 1, और 4 8 जा 20, 4 8 जा 32 और 1 36 ओ 33, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, ठीक है। तो यहाँ 4 होगा और यहाँ पे भी 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। अब देखिए यहाँ पूरा पेयर बच गया है, तो अगर लास्ट में दो जीरो बच जाती हैं तो आंसर में 10 आएगा, और लास्ट में 40 होती हैं तो आंसर में 20 आएंगे, यानी जितनी जीरो का पेयर, अगर एक पेयर बचा है जीरो का एक जीरो आएगी, दो पेयर बचे हैं तो दो जीरो आएंगे, लेकिन ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लिया ही नहीं जा सकता जिसमें 3 या 5 या 10 लास्ट में होता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 5625, तो यहाँ पे दो पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो टेबल जाएगा 56 में वो 77 या 49 चला जाएगा, 68 या 64 नहीं जा पाएगा, तो 77 या 49, 7 का डबल 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 7, ठीक है। नेक्स्ट पेयर 25,
अब फाइव डिजिट कब बनती है, यूनिट, जब फाइव का फाइव से मल्टीप्लाई हो। तो आप यहाँ फाइव रखिए और यहाँ पे भी फाइव, तो फाइव फाइव जा 25, कैरी टू, फाइव फोर जा 20 और टू, 22 कैरी टू, फाइव वन जा फाइव और टू, सेवन, तो ये आएगा 75। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरह इसके अदर पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर सेकंड। ये 406 4256 तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ पेयर बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, फोर का पेयर नहीं बना तो इसे ऐसे ही रखेंगे, लेकिन पहले फोर में ही टेबल चलाएंगे। तो टू टू जा फोर चला जाएगा, टू टू जा फोर, अब टू का डबल क्या हो गया, फोर, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचेगा पेयर, इसे सिक्स या जीरो सिक्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए फोर, अगर यहाँ हम फोर है, अगर 41 भी करते हैं और वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 आएगा, लेकिन हमारे पास तो सिक्स ही है, तो यानी इसमें टेबल नहीं जाएगा और इसके लिए हमें नेक्स्ट पेयर लेना पड़ेगा 42। लेकिन हमारे दो पेयर एक साथ आ गए तो हम आंसर में जीरो लगाएंगे, और इसका फिर जो जीरो लग गया उसका डबल यहाँ होगा, 20 का डबल 40। ठीक है, अब 401 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 401, अगर 402 रख देंगे और यहाँ पे भी 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 804, यानी इससे 642 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो केवल टाइम टेबल जो जाएगा वो वन टाइम जाएगा। तो 1 1 जा 1 1 0 0 और 1 4 जा 4। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 1 4 2, 201 का जो भी नंबर बनता जाएगा उसका डबल लिख दें। अब नंबर बन गया 201, तो इसका होगा 402। नेक्स्ट पेयर 5 6। ठीक है, तो अब देखते हैं सिक्स डिजिट यूनिट कब बनती है, जब फोर का फोर से मल्टीप्लाई करेंगे या सिक्स का सिक्स से। पहले देखते हैं 4024 रख के देखते हैं यहाँ पे, और फोर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 1 और 8 9, 4 0 0 4 4 जा 16। तो देखिए ये नंबर इसके इक्वल नहीं बना और छोटा भी है, तो हम क्या रखेंगे फिर यहाँ पे, यूनिट डिजिट सिक्स किससे बनेगी, जब सिक्स का सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी सिक्स और यहाँ पे भी सिक्स, तो 6 6 जा 36 कैरी 3 और 5 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 0 0 और 1 1 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2016। ठीक है, तो आज हमने जो स्क्वायर रूट का डिवीज़न मेथड आपको सिखाया है, आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उनको ट्राई करेंगे और सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।